वाह साधु जी, बैठ जाइए, इनको दे दीजिए, हम प्रणाम कर लेते हैं, उनको दे दीजिए। माइक उठाओ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया, कहाँ से हो? हम गुरु जी बनारस के बगल में जिला है भदोही। आ? बनारस के बगल भदोही जिला। गुरु जी बहुत तमन्ना थी मिलने की, 6 महीने 8 महीना हो गया बागेश्वर धाम जा रहे थे। वाह, मिल नहीं पाया आज तक। मिल नहीं पाया गुरु जी, लहसन प्याज सब। ये बड़ी कृपा है बालाजी की कि बिना टोकन नंबर का दरबार लगाते हैं, तो कम से कम उनको तो मौका मिल जाता है जिनका कभी टोकन नंबर नहीं आ पाना है। सत्य है गुरु जी, सत्य है। और जो यहाँ खड़े हैं लगातार दरबारों में जा रहे हैं, कौन कौन लगातार दरबारों में जाता है, हाथ उठाओ। निराश मत हो, यहाँ पर्चा नहीं बना तो क्या हुआ, कभी ना कभी पर्चा बनेगा 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 बनेगा, जाओ आशीर्वाद है। बोलो क्या बात है गुरु जी, मैं पूछना चाहता हूँ सरकारी नौकरी मेरी आएगी कि नहीं आएगी, और उसके बाद अगर आती है ठीक है, नहीं तो कौन सा रोजगार व्यापार करे। और भाई साहब PCS की तैयारी कर रहे हैं, निकाल लेंगे, घर में सुख शांति रहेगी भाई, निकल पाएंगे। आपको जॉब की अर्जी जो लेकर आए मुश्किल है, आप रोजगार में जावे, पितृ शांति का उपाय करवा करके इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोले, सफल होंगे, आशीर्वाद। बागेश्वर धाम की भाई को एक बार भेजना है। ठीक है सर, ठीक है महाराज जी। और महाराज थोड़ा माता जी को शरीर में दर्द रहता है, कमर में पैर में पीड़ा है। हाँ पीड़ा है, उसका भी इलाज महाराज कुछ बता दीजिए। झाड़ा लगवा लेना धाम में लाके महाराज। हाँ ठीक है महाराज। अभी घर पे महामृत्युंजय का पाठ कराए थे, 1.25 लाख जुलाई में था। आपकी भी शरीर में पीड़ा बनी हुई है, पूर्व में उपाय बना करवा चुके हैं घर का, लेकिन घर के बंदेज के उपाय भी बाद भी लाभ नहीं हुआ है। आप घर पर अभी सफेद रंग का झंडा गाड़ें, पेशी प्रारंभ कर दें, माता जी को वहीं लिवा लाना, भाई को एक बार दर्शन करवाना, 100% निकलेगा वो। उठो